अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। MIM के सोलापुर युवक कार्य अध्यक्ष शोएब भाई चौधरी ने मानवाधिकार संरक्षण संगठना के बेमुदत धरने आंदोलन को दिया पाठिंबा, महालक्ष्मी नगर के पानी प्रश्न को लेकर महानगर पालिका प्रशासन पर दागी तोफ। और जो भी अधिकारी को बात करना है वो अधिकारी को बात करने में नौबत देंगी या उसको काला फांसी के सिरों पर वो भी नौबत देंगी। आज यहाँ पर मानव अधिकार संरक्षण संगठना सोलापुर के जानिब से नई जिंदगी भाग में नई जिंदगी भाग के अंदर जो महालक्ष्मी नगर आता है वहाँ पर जो मूलभूत सुविधा है, पानी, नल, ड्रेनेज का लाइन, लाइट, ये मूलभूत सुविधाओं के वास्ते बेमुद्दत धरने आंदोलन यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है। ये इस प्रशासन के लिए और हमारे यहाँ पर जो नेता लोग हैं, जो सत्ता में हैं, जो यहाँ पर हमारे खुद को नेता कहते हैं, उनके लिए शर्म से डूब कर मरने वाली बात है। वो सिर्फ अपना मूलभूत सुविधाओं के मांगने के लिए उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर आकर ये कहना चाहता हूँ कि इनके आंदोलन में हम MIM की जानिब से आपके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, कंधे को कंधा लगाकर। जब कभी MIM की जरूरत पड़ेगी आपको आंदोलन करने के लिए या आंदोलन से आगे जाकर जो भी करना है आपको, आप बताओ, आपके साथ खड़े हैं। उसके अलावा एक बात बोलना चाहता हूँ इन नेता लोगों के बारे में। 1992 में हद्दवाड़ी विभाग हुआ, हद्दवाड़ी में नई जिंदगी और जुड़े सोलापुर दो भाग एक साथ शामिल हुए। लेकिन आप बेहतर जानते हैं अभी कि नई जिंदगी के हालात क्या है और जुड़े सोलापुर के हालात क्या है। जुड़े सोलापुर में अभी सुशोभीकरण का काम चल रहा है, मतलब उनके वहां पर मूलभूत सुविधा पूरे होकर अच्छा खासा दिख सकता है एरिया, ये चल रहा है। लेकिन आज भी हम हमारे मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। तो मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप अपना नेता चुनते वक्त ऐसे नेता को चुने जो आपके वोट की वैल्यू करे और आपके वोट के बदले आपका काम देखे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी मैं एक बात कहता हूं, मैं यहां पर एज अ इच्छुक उम्मीदवार बोल के नहीं आया हूं। मैं खुद नई जिंदगी भाग का रहवासी हूं, मैं आसरा मंत्री चंडक में रहता हूं, लेकिन नई जिंदगी में ही आता है। तो यहां पर आप पॉलिटिकल व्यू प्लीज मत लाइए, मैं इनके लिए बस एक उनका भाई बोलकर MIM पार्टी की तरफ से आया हूं।